दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। आइए जानते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे। क्या? जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे। इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे। जैसे देखते हैं, आई स्लैप्ड मोहन। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा मेन वर्ब हो गया। आई स्लैप्ड किसको मारा? तो मोहन को। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वर्ब जब ये सब्जेक्ट जो एक्शन की वर्ब जब ये एक्शन को रिसीव कौन किया? तो ये मोहन रिसीव किया, इसीलिए ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करेगी, ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगी। और यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। क्या होगा सब्जेक्ट? डूअर। कोई डूअर है तो को क्या करेगा? एक्शन करेगा। एक्शन करेगा, उसको रिसीव करने वाला कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट होंगे तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। नाउन में आप जो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोनाउन में जब भी लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। कौन सा केस लेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन? मी, अस, यू, हिम, हर, यू हर, इट और देम। यही प्रोनाउन में हम जब भी लेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। कभी सब्जेक्टिव केस लेंगे? जैसे ये आई, तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। कभी बी लेंगे? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव केस है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जैसे कहते हैं आई लव, अब ही लिखेंगे कि हिम लिखेंगे? तो आई लव, अब ये लव के एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? तो ये वाला। अब ये है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो ये कट जाएगा। बता क्या हो जाएगा? हिम, आई लव हिम। आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट को निकालते क्या है, ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं? जब वर्ब से, ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब जो एक्शन करेगी उस वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले। क्या मिले? व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले। अगर रिप्लाई मिल गया तो वो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी। क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। वर्ब से व्हाट और हुम, व्हाट मतलब क्या, आई हुम मतलब किसे, ठीक है, इस तरह का मीनिंग देगा। अगर वर्ब से क्या किसे का रिप्लाई मिल गया तो वो ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट कौन होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में कौन सा केस? तो ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मी। ठीक है, बात समझ गए। इस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगर वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेती है तो वर्ब को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो उसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। इट, अब मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये ऑब्जेक्ट लेगी? खाना। क्या? अगर क्या और किसी से रिप्लाई मिलेगा तो ऑब्जेक्ट लेगी नहीं। खाना, तो क्या खाना? तो ये मैंगो, तो ये ऑब्जेक्ट लेगी, ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी। अब देखो रीड, पढ़ना। क्या पढ़ना? ए बुक, ये भी ऑब्जेक्ट लेगी। अब देखते हैं स्लीप, सोना। क्या सोना? जवाब मिलेगा? नहीं। किस, क्या सोना? जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, किसे सोना, ये भी जवाब नहीं। यहाँ किसके साथ, कहाँ पे, ये सब का जवाब नहीं चाहिए, क्या और किसे का जवाब चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। ठीक है, अब देखो कॉल, बुलाना। तो किसको बुलाना, या क्या किसे का जवाब मिल जाएगा? मिल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? कॉल ए
बॉय। अब बात समझना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लेगी तो इसको बोल देंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ये ऑब्जेक्ट ली तो ये कौन सा वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये ऑब्जेक्ट नहीं ली तो कौन सा वर्ब हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। वर्ब ये भी ऑब्जेक्ट ले ली तो कौन सा वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट लेगी वो ट्रांजिटिव, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी वो इनट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आया? अब देखो ऑब्जेक्ट होगा क्या, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब आर्टिकल आया तो आर्टिकल के बाद तो हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। तो ये नाउन हो गया, तो बिल्कुल सर ये नाउन हो गया। तो ए मैंगो को लिख सकते इस तरह, ए बिग मैंगो। अब यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव डाल सकते हैं? तो सर बिल्कुल डाल सकते हैं, एडजेक्टिव डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए भेड़ी बिग मैंगो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? यहाँ पे नाउन आया, नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पर जोर डालना है, एडजेक्टिव की विशेषता बताना है तो वो बताएगा एडवर्ब। यहाँ जितनी चाहे मर्जी आप एडजेक्टिव दे दीजिए, जितनी मर्जी है एडवर्ब दे दीजिए, चेंज ये नहीं होने वाला। मतलब ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। और जब नाउन आ जाए तो नाउन से पहले आप एडजेक्टिव दे सकते हैं, जितनी मर्जी एडजेक्टिव दे दीजिए, एडजेक्टिव के बाद क्या दे सकते हैं? एडवर्ब दे सकते हैं। कभी भी एडवर्ब के बाद नाउन नहीं आएगा जनरली। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। एक तो देखे ट्रांजिटिव वर्ब, एक देखे इनट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये दोनों का रिप्लाई देती है, व्हाट का भी रिप्लाई देगी और हुम का भी रिप्लाई देगी। जैसे ही गेव मी अ बुक। ठीक है, ये है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ये इसके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो, एक ये है एक ये है। व्हाट से जो रिप्लाई देगा, जो व्हाट से रिप्लाई देगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो हुम से रिप्लाई दे उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्हाट से रिप्लाई दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हुम का रिप्लाई दे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट है। और एग्जाम्पल देख लो, ही ऑफर्ड आई और मी अ जॉब। अब सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ पे आई होगा कि मी होगा। सबसे पहले ये बताइए, आई होगा कि मी होगा? ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, पोजीशन है तो सब्जेक्टिव कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब ही ऑफर्ड मी ए जॉब, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो व्हाट से रिप्लाई दे रहा है और ये हुम से रिप्लाई दे रहा है। बात समझ में आ गया? जैसे कहते हैं दे पेड हिम और ही मनी। अब आपको बताना ये पोजीशन किसका है, तो ये ऑब्जेक्ट का सर है, तो ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? ये वाला आएगा नहीं। तो दे पेड मी मनी। उसी तरह सेम ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप डाई ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक व्हाट से रिप्लाई देगा, एक हुम से रिप्लाई देगा। ऑब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन ही होगा, इसके अलावा नहीं। अगर नाउन आ गया तो उससे पहले आप क्या लगा सकते हैं? एडजेक्टिव लगा सकते हैं जितनी मर्जी, और एडजेक्टिव जब आ जाए तो आप एडवर्ब लगा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल जो आएगा वो केवल और केवल नाउन के लिए। अब डाई ट्रांजिटिव, जैसे कहते हैं आई लाफ, लाफ मैं हंसता हूँ, तो व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा?
बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैं लाफ हंसता हूँ, क्या किसी का रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है? अगर दे तो मैं हंसता हूँ, किस पर हंसता हूँ, किस पर का नहीं चाहिए, मैं हंसता हूँ, क्या किसी का रिप्लाई दिया, तो नहीं दिया, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? ट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। आई प्ले, खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट, तो ये मेरा क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया डाइट्रांजिटिव वर्ब। ये सारे थे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है? जैसे आई स्लैप्ड मोहन, तो मोहन क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के एक्शन को रिसीव किया, ठीक है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, नाउन में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, मतलब सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। अगला देख लीजिए, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए तो वो मेरा क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। ऑब्जेक्ट होगा कौन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? अगर नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, और यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते हैं। अगर नाउन काउंटेबल है तो आप आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कुछ वर्ब ऐसे हैं जो मेरा क्या ऑब्जेक्ट लिए लेते हैं कि नहीं। ईट, खाना, क्या खाना, ए मैंगो, तो ऑब्जेक्ट ले लिए। अब ए मैंगो है तो ए बिग मैंगो, ए वेरी बिग मैंगो कर सकते हैं, ठीक है? रीड ए बुक, पढ़ना, क्या पढ़ना, बुक, तो ए रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ये भी हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बुक यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते, अ बुक है ऑब्जेक्ट, अब बुक की विशेषता बताएगा कौन, तो एडजेक्टिव, अ एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया एडजेक्टिव, अब यहाँ लिख देते हैं ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है? तो यहाँ पे नाउन आया, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, उसके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो हम आर्टिकल लगा दिए। इतना क्लियर हो गया इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। और एक एक था डाइट्रांजिटिव जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो व्हाट का भी रिप्लाई देता है और जो हुम का भी रिप्लाई देता है। ऑब्जेक्ट है तो हमेशा क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, नाउन में कौन सा, तो नाउन में आप हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं। इतना बात क्लियर, ठीक है? जैसे ही पेड हिम होगा कि ही होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो सब्जेक्ट वाला तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्या, तो मनी, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।